नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत है हमारे चैनल आयाम इंडिया में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, कि पिछले कुछ समय से हमारे चैनल पर आध्यात्म से संबंधित वीडियोस अपलोड होते हैं, और पिछले दो हफ्तों में हमने अजपाजप गुरुओं के विषय और अजपाजप साधना के बारे में आपको बताया था। इसको बताने के पश्चात या इसको वीडियो में दिखाने के पश्चात हमारे पास आप में से बहुत सारे लोगों के फोन आए और आपने बहुत से सवाल भी पूछे हमसे। उसमें से एक मुख्य सवाल उभर कर आया कि मैं आपको अपनी साधना के विषय में कुछ बताऊं। दोस्तों, वैसे तो साधना एक गोपनीय अनुभव है। यदि व्यक्ति को साधना में कोई अनुभव होते हैं तो या तो वह अपने गुरु से उनको शेयर करता है, या फिर यह जांचने के लिए कि क्या उस व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति सही हो रही है, वह अपने गुरु भाइयों से उन अनुभवों को बांट सकता है। मगर चूंकि आप में से कई लोगों ने मुझसे यह प्रश्न पूछा है कि मैं अपनी साधना के विषय में कुछ बताऊं, तो मैं प्रयास करूंगा कि अपने कुछ चुनिंदा अनुभवों के माध्यम से अपनी साधना के विषय में आपको कुछ बताऊं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है मेरे बचपन से। जब मैं छोटा था, शायद फोर्थ या फिफ्थ क्लास में, मुझे याद है कि गर्मियों की छुट्टियों में अक्सर मैं अपने ननिहाल जाता था। वहां पर मेरी मदर की ग्रैंड मदर थी, जो कि बहुत ही ओल्ड थी। मैं अक्सर उनके पास जाया करता था और उनकी सेवा करता था। मुझे उनके पास रहना अच्छा लगता था, इसलिए क्योंकि वो बहुत आशीर्वाद देती थी। मैं अक्सर उनके पैर दबाता था, सिर दबाता था, उनको नहलाने ले जाता था, और उसके एवज में वो मुझे काफी आशीष वचन बोलती थी, जो कि मुझे अच्छा लगता था। तो जैसा कि मैंने कहा कि यह कहानी शुरू होती है जब मैं क्लास फोर्थ या फिफ्थ में था। तो इस बार जब हम गर्मियों की छुट्टियों से वापस आए, एक दिन की बात है, मैंने मध्य रात्रि के आसपास एक सपना देखा कि मेरी मम्मी की ग्रैंड मदर एक अंधेरी कोठरी में लेटी हुई है और उनके सीने से एक दीपक निकलकर हवा में विलीन हो गया। मुझे नहीं पता कि ये सपने का मतलब क्या था और क्यों था, मगर जब मैं जागा तो मुझे ये सपना याद रहा, और कहीं ना कहीं इसने मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन डाल दिया कि जो मैंने देखा उसका अर्थ क्या था। मैंने इस बात को अपनी मदर से शेयर किया, लेकिन उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया। उसके एक सप्ताह बाद हमारे घर एक लेटर आया, पीला पोस्ट कार्ड, जिसका कोना फटा हुआ था। और उस समय पर जब ये पीले पोस्ट कार्ड चलते थे मैसेज का आदान प्रदान करने के लिए, तब लेटर का फटा हुआ कोना अशुभ माना जाता था। उस लेटर में ये खबर आई थी कि मेरी मदर की ग्रैंड मदर नहीं रही, और मेरे लिए आश्चर्य की बात यह थी कि जिस दिन मध्यरात्रि को मैंने वो सपना देखा था, ठीक उसी दिन उनकी मृत्यु हुई थी और लगभग उसी समय हुई थी। ये घटना निश्चित तौर पे मेरे मन में प्रश्न छोड़ गई। उसके बाद जब मैं क्लास सेवेंथ में पहुंचा तो एक लड़के से मेरी दोस्ती हुई, जिसका नाम था संतोष। हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वो काफी नॉलेजेबल था, बहुत सारी किताबें पढ़ता था, और एकेडमिकली भी वो काफी अच्छा था। बातों ही बातों में एक बार उसने मुझे एक किताब दी जो कि हिप्नोटिज्म पर आधारित थी। उस किताब को देखकर, पढ़कर मैंने उसमें दी हुई कुछ क्रियाएं प्रैक्टिस करना शुरू की। जब वो क्रियाएं मैंने प्रैक्टिस करना शुरू की तो मुझे कुछ अनुभव होना शुरू हुए, और
ये कुछ समय तक चला, मगर मैं ज्यादा लंबे समय तक इसको कंटिन्यू नहीं कर सका क्योंकि एक उचित गाइडेंस नहीं था मेरे पास में। बात आई गई हो गई, समय बीतता गया। आगे चलकर जब मैं क्लास 11 12th में पहुंचा तो मेरी रुचि आध्यात्मिक विषयों में और बढ़ी, और इनिशियली ये प्राइमरी चीजों में थी, जैसे कि हस्तरेखा, ज्योतिष, सामुद्रिक, यंत्र मंत्र, तंत्र और अन्य चीजें जो अमूमन पब्लिक स्पेस में होती हैं, जो अध्यात्म से रिलेटेड सुनने में आती हैं। मेरा इंटरेस्ट इन चीजों की तरफ चला, मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया। ये सिलसिला भी एक लंबे समय तक चला। धीरे धीरे मेरी नॉलेज इन्हांस होती गई और कुछ हद तक चीजें मुझे समझ में आने लगी, लेकिन सिर्फ मैं कहूंगा कि मौखिक स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर ये कहीं भी नहीं था। दोस्तों, इसके बाद मेरे को एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था सत्या। मैं अपने एक मित्र से मिलने गया हुआ था और बाई चांस की बात थी कि मेरे मित्र ने इस व्यक्ति से मेरा इंट्रोडक्शन करवाया और मेरी से बातचीत शुरू हो गई, और फिर उसके बाद काफी घनिष्ठता बढ़ गई। एक दिन बातों ही बातों में पता चला कि दिल्ली में सत्या के कोई गुरु हैं और वो आध्यात्मिक मार्ग में दीक्षित है, साधना करता है। मैं कहीं ना कहीं इस बात से काफी जिज्ञासु हो गया कुछ चीजों को जानने के लिए। फिर हमारी आध्यात्मिक विषयों पर बात होने लग गई और हम अक्सर इन विषयों पर बात करते रहते थे। बातों ही बातों में मैंने सत्या को बताया कि एक समय मैंने हिप्नोटिज्म की कुछ हद तक प्रैक्टिस की थी, वो भी किताबों में पढ़कर, और मुझे कुछ विजन्स आना शुरू हो गए थे। तो सत्या ने मुझसे कहा कि अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, तुम बैठो, आंखें बंद करो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या विजन नजर आ रहा है। मैं आंखें बंद करके बैठ गया और कुछ ही समय के पश्चात मैंने आंखें खोली। सत्या ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें कुछ दिखाई दिया, तब मैंने उसे विस्तार से बताया। मैंने कहा कि मैंने एक सफेद रंग की दो मंजिली इमारत देखी और उसके सामने एक हाईवे देखा। उस इमारत के एक कोने के कमरे में मैंने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को खड़ा हुआ देखा जिन्होंने सफेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था और कंधे तक लंबे बाल थे उनके, और उनको एक मैंने ड्राइंग बोर्ड के पास खड़ा देखा। सत्या को मैंने जब यह विस्तार से बताया तो वो बड़ी ही अजीब नजरों से मुझे देखने लग गया। मैंने उससे कहा क्या हुआ। उसने कहा कि बहुत ही आश्चर्य की बात है कि तुम पहली बार में ही मेरे गुरु के आश्रम पहुंच गए। ये बात मेरे लिए भी आश्चर्यजनक थी। मुझे नहीं समझ में आया कि मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूं इस बात के लिए। मैं सच कहूं तो उस दिन यानी कि रात्रि को ये बात सोचते हुए मैं सो नहीं सका। मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता था कि जिस व्यक्ति को मैं जानता नहीं, जिस जगह को मैंने देखा नहीं, उस जगह को हूबहू मैं कैसे देख पा रहा था। आपको बता दूं कि इस घटना के कुछ समय बाद, शायद एक डेढ़ साल बाद, मेरा दिल्ली आना हुआ और तब मैं पहली बार अपने गुरु डॉक्टर रमेश परमहंसजी से मिला। बहुत ही आश्चर्य की बात थी मेरे लिए ये कि जब मैंने उनका आश्रम देखा और गुरु जी को देखा तो ये सब कुछ हूबहू वैसे ही था जैसे कि मैंने एक डेढ़ साल पहले विजन में देखा था। अपने गुरु जी से दीक्षा लेने के पश्चात जब मैं वापस गया तो मैंने इंटेंस प्रैक्टिस शुरू कर दी, अजब अजब साधना की, और मुझे नहीं पता कि आप इस बात का भरोसा करेंगे या नहीं, या शायद ये आपको अतिशयोक्ति लगे कि काफी लंबा दौर ऐसा भी रहा कि
दिन में 12 से 14 घंटे मैं सिर्फ अपना जाप ही करता था। दोस्तों, एक दिन की बात है कि मैं रात में ध्यान करके सोया और तकरीबन मध्य रात्रि के आसपास मैं अचानक से उठा, मेरी नींद खुली। मेरी बेड के पास एक टेबल रखा हुआ था। मेरी जब टेबल पे नजर गई तो वहां पर कोई बैठा हुआ था। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैंने अपनी आंखें मल के फिर से देखा। मैंने देखा कि टेबल पर एक कुत्ता बैठा हुआ है और मेरे दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गई। मुझे नहीं समझ में आया कि ये क्या है, ये कैसे हुआ। मैं काफी घबरा गया क्योंकि इस तरह के फिजिकल एक्सपीरियंस का, एकदम डायरेक्ट फिजिकल एक्सपीरियंस का, अपीयरेंस का, ये पहला अनुभव था। और मुझे सिर्फ इतना ही समझ में आया कि मैं आंखें बंद करके प्रे करने लगा कि आप जो भी हैं कृपया करके मुझसे बात करें, मुझे भयभीत न करें। उसके बाद मैंने आंखें खोली, मैंने देखा कि वो कुत्ता मेरे सामने है, मेरी जो टेबल रखी हुई थी उससे नीचे कूदा और वो डिसअपियर हो गया। इस घटना से मैं 2-3 दिन तक काफी परेशान रहा, काफी भयभीत भी रहा। यूं कहूं कि मैंने अगले 2-3 दिन 4 दिन तक साधना भी नहीं की। जब अगली बार मुझे सत्य मिला और मैंने इस घटना की चर्चा उससे की तो उसने बताया कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये तुम्हारा इंडिविजुअल एक्सपीरियंस था, ऐसे एक्सपीरियंस सबको नहीं होते। दूसरी बात, ये भैरव रूप था जो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। तो यदि साधना कर रहे हो, स्पेशली रात में कर रहे हो, तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। पूरे स्ट्रेंथ से इसको करते जाओ, तुम्हें सफलता मिलती रहेगी। इसके बाद मुझे याद आता है कि नौकरी के सिलसिले में मैं अपना घर छोड़कर दिल्ली आ गया और ये मेरी पहली जॉब थी दिल्ली में। मैं पहले दिन ऑफिस गया हुआ था और चूंकि रात की शिफ्ट थी, हम लोगों को एक बड़े से रूम में बैठाया गया। हम 10-12 लोग थे और रात में शायद 11-12 के आसपास एक बंदा था निशांत, जो कि वहाँ पर एसएमई था। वो आया हमारे रूम में और उसने हम लोगों से हमारा इंट्रोडक्शन लिया। मेरा नंबर सबसे आखिरी में है और इस इंट्रोडक्शन में हमें कुछ अपने बारे में बताना था, अपनी हॉबीज के बारे में बताना था। तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के बाद में फाइनली मैंने बताया कि मुझे ध्यान करना अच्छा लगता है और पिछले कुछ समय से मैं ध्यान कर रहा हूँ। इस बात को सुनकर निशांत ने मुझसे पूछा कि क्या तुम इस जगह के बारे में कुछ बता सकते हो। मैंने कहा हाँ। उसने बोला कितना समय लगेगा। मैंने कहा अभी बता दूंगा। कहता ठीक है। मैं आंखें बंद करके बैठ गया और शायद 1 या 2 मिनट बाद मैंने आंखें खोली। मैंने उससे पूछा क्या वो एक लड़की है, सुंदर सी लंबी सी लड़की। इतना सुनना था कि निशान दरवाजा खोलकर बाहर चला गया और उसने फ्लोर पे कुछ लोगों से बोला जाके कि अरे वो कोई नया लड़का आया है, उसको वो दिखाई देती है। वहां से 3-4 लोग अचानक ही फ्लोर पे, बल्कि जहां पर हम बैठे हुए थे वहां पर आए और उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने उनको और भी डिस्क्रिप्शन बताया जो भी मुझे विजन में दिखाई दिया था और तब मुझे पता चला कि इस जगह पे कुछ ऐसी स्थितियां थी जो कि डराने वाली थी। मैं जब तक वहां पर रहा 2 से 3 महीने तक, वो लोग इस मामले में काफी हद तक मेरे ऊपर निर्भर रहे और फिर यह स्थिति आई गई होगी क्योंकि मैंने वहां से जॉब छोड़ दी। दोस्तों, जब पहली कंपनी मैंने ज्वाइन की थी तो यहीं पर मेरा एक मित्र बना था जिसका नाम था सुबोध। मैं दिल्ली में अकेला ही रहता था तब, तो अक्सर छुट्टी वाले दिन वो मेरे घर में आ जाता था और हम टाइम स्पेंड करते थे। एक दिन मैंने सुबोध को बातों ही बातों में
साधना के विषय में बताया, बातचीत की और उसने मुझसे दीक्षा ले लिया। हम काफी देर बैठे, हमने बातचीत की और फिर वो चला गया। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद ही उसने वहां से जॉब छोड़ दिया और उसके बाद भी वो एक दो हफ्ते लगातार मेरे पास आया। तकरीबन दो हफ्ते बाद मैं छुट्टी के दिन घर पर ही बैठा हुआ था, मैंने उसको फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया, नहीं उसने कोई अपडेट दिया। इस बात को अगले दो से तीन हफ्ते बीत गए और उसने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया। फिर एक वीक ऑफ पे उसका फोन आया और वो मुझसे मिलने आया। तब उसने मुझसे बताया कि दीक्षा लेने के बाद जब उसने साधना प्रारंभ की तो उसको कुछ ऐसे स्वप्न आए कि वो घबरा गया। दरअसल में उसको अपने कुल देवता का स्वप्न आया जिसमें उन्होंने उससे कहा कि तुम रवि के पास क्यों गए थे, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। और सुबोध ने कहा कि इस बात से मैं इतना घबरा गया कि मेरी आने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। इस घटना को बताने के पश्चात सुबोध ने मुझसे सॉरी बोला और उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे आता रहूंगा भी नहीं। वो बात दीगर है कि व्यवसायिक व्यस्तता के कारण फिर वो मुझसे मिलने ना आ सका और धीरे धीरे हमारा संपर्क भी टूट गया। दोस्तों एक बार की बात है, मैं अपने मित्र संतोष के साथ था। उस दिन मैं एक अलग रॉ में था, मेरा बार बार दिल कर रहा था कि मैं ध्यान करूं बैठ के और मेरी बॉडी मुझे ध्यान की तरफ धकेल रही थी। मैं कुछ यूं कहूंगा, मुझसे रहा ना गया। संतोष की उपस्थिति के बाद भी मैंने उससे कहा कि तुम थोड़ी देर बैठो, मैं ध्यान करूंगा, उसके बाद बात करता हूँ। अब मैं ध्यान करने लगा। जब मैंने ध्यान किया तो धीरे धीरे मेरा शरीर शून्य अवस्था की तरफ जाने लगा और कुछ देर में एक ऐसी स्थिति आ गई जहां पर मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने सिर का पता चल रहा था। मेरी सारी चेतना सिर पर जाकर इकट्ठी हो गई और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हवा में टंगा हुआ हूं। ये बहुत ही अलग सा अनुभव था और इससे पहले मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसी भी कोई परिस्थिति होती है ध्यान में। वो बात दीगर है कि आगे चल के जब स्वामी विवेकानंद की पुस्तक मैंने पढ़ी तो कुछ इसी तरह का एक्सपीरियंस उन्होंने अपना दिया हुआ है जिसमें उनको सिर्फ अपने सिर का एहसास हो रहा था। लेकिन तब मैं नया साधक था और मैंने सोचा कि यदि मैं इस अनुभव को किसी से शेयर करूंगा तो लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे कि तुम अपने आप को किससे कंपेयर कर रहे हो। इसलिए सच कहूं तो कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी। आज चूंकि अपने विषय में बता रहा हूं तो सच्चाई से इस अनुभव को भी आपके सामने रख रहा हूं। दोस्तों जब मैं दिल्ली में रहने लगा और रेगुलर जॉब प्रोफाइल में आ गया तब तक मेरी शादी भी हो चुकी थी। एक दिन की बात है कि ऑफिस की कैब से मेरा फोन आया कि मुझे बाहर आना है, गाड़ी आने वाली है मुझे लेने के लिए। मैंने अपनी पत्नी से बाय बोला और वो भी मुझे बाय करके अंदर चली गई। एक्चुअली कैब वाले ने मुझे जल्दी फोन कर दिया था, वो दूर था, उस वक्त तक वो आया नहीं था। मैं गेट पर ही खड़े होकर इंतजार करने लगा। तभी कुछ ऐसा हुआ, मेरे लिए उसको शब्दों में कहना मुश्किल है। अचानक से मैं ब्लिसफुल स्टेट में चला गया और मुझे नशा जैसा छाने लग गया। पूरा शरीर रुई की तरह हल्का हो गया और मैं ध्यान की तरफ खींचने लग गया। मैं खड़ा तो था एक जगह पर मगर शरीर की अनुभूति ना के बराबर रह गई थी और ये इतना अच्छा लग रहा था कि सिर्फ अनुभव ही इसको बयां कर सकता है, जबान इसको बयां नहीं कर सकती है। मैं
आंखें बंद करके उसी पोजीशन में, उसी स्टेट में खड़ा रहा। पूरे शरीर में भीनी भीनी खुटी हो रही थी और एक्सपेंशन का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था मैं वृहद हो गया हूं। बहुत ही मुश्किल था अपनी चेतना को उस स्थिति में बनाए रखना। मैं वहां था भी और मैं नहीं भी था। संयोग से कुछ ऐसा हुआ कि जिसके आपका मैं वेट कर रहा था उसे आने में अच्छा खासा टाइम लग गया। और दरअसल जब तक कैब आई मुझे इसी स्थिति में खड़े हुए दरवाजे पर 40 मिनट हो चुके थे। और सच कहूं तो मुझे समय की जरा सी भी अनुभूति नहीं थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं बस अभी खड़ा ही हुआ था और ये समय कब बीत गया मुझे पता भी नहीं चला। दोस्तों, साधना मार्ग पे वैसे तो अनुभव एक नहीं होते हैं, कई होते हैं, इनकी पूरी पूरी श्रृंखला होती है। मगर ये अनुभव की बात है, ये अस्तित्व को जीने की बात है। मैं एक अनुभव और आपके साथ बांटूंगा और उसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। दोस्तों, एक दिन की बात है, मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, अपने ऑफिस के कैफेटेरिया में या कैंटीन के अंदर मैं कुछ खा रहा था बैठ के। और अचानक ही वो स्टेट फिर से आ गई। आचार्य रजनीश इस स्टेट के बारे में कहते हैं कि एक बार ये प्याला भरना शुरू हो जाता है फिर इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है, फिर इसके साथ जीना ही पड़ता है और ये भरता ही जाता है। खाते खाते अचानक से मैं उसी स्थिति में जाने लग गया। मेरे को बहुत तेज नशे जैसी अनुभूति होने लग गई। और जब आपको यह नशा होता है तब आप ये कंक्लूड कर पाते हैं कि दरअसल संतों ने सच कहा है कि मुफ्त की शराब है ये, मुफ्त का नशा है ये। और यह नशा इतना प्रगाढ़ होता है कि बस नशा ही नशा होता है। दोस्तों, उस दिन खाते खाते मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर बृहद होने लग गया है और मैं उस कैफेटेरिया में एक्सपैंड होने लग गया। मैंने महसूस किया कि जितना भी बड़ा कैफेटेरिया था, और मैं आपको बता दूं कि यह कैफेटेरिया काफी बड़ा था, मैं अपने आप को पूरे कैफेटेरिया में फैला हुआ महसूस करने लगा। और जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझ में चल रहे हैं, मेरे अंदर चल रहे हैं। ये अनुभव बहुत ही यादगार था, बहुत ही अप्रतिम था। तो जैसा कि मैंने कहा कि अपनी साधना के कुछ अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और आगे भी प्रयास करूंगा कि आपके कुछ उत्तरों का जवाब, माफ कीजिएगा, कुछ प्रश्नों का जवाब मैं देता रहूं समय समय पर और आपका साधना मार्ग में सहयोग करता रहूं। दोस्तों, जो पिछली वीडियो हमने बनाई थी अजबाजब, और उसमें हमने पार्ट टू भी बनाया था जो कि अजबाजब साधना के विषय में है, हमने उसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया था। आप यदि चाहें तो साधना के विषय में उस नंबर पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति प्रशस्त कर सकते हैं। मुझे ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको प्रणाम, मेरा अभिवादन स्वीकार करें।